छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं नदी के अंदर का जो है पुल उल बना है नया और छठ पूजा की तैयारी हो रही है इस तरह से जो देख पा रहे हैं। और काफ़ी अच्छी यहाँ पे सफाई वगैरह हुई है और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हो रही है जो देख रहे हैं। गांव में हमारे इस तरह से कुछ साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है जो कि आमतौर पर शहर में अलग चीज़ें देखने को मिलती है और समझ में भी आता है, लेकिन क्या बताएं, गांव गांव ही होता है, शहर शहर ही रहता है। और आप बताइए आप किस शहर के हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा ये दोनों लोग कौन से हैं, पहचानिएगा। ये दोनों लोग मेरे साथ ही हैं, दोस्त है, गांव में रहते हैं। और ये है हमारी गाड़ी जो कि गांव में है, कभी कभी बैठ के घूमते हैं, कभी कभी काम भी करते हैं। फिलहाल तो अरा नट बोल्ट खुल गया है इसका और दिमाग हिल गया इसका। तो चलिए चलते चलते आपको ये वीडियो दिखाते हैं। सफाई अभियान चल रहा है और गांव में ऐसी बसें चलती हैं गाड़ियों के साथ और बहुत बढ़िया तरीके से अंदाज में। सो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि गांव कैसा लगता है आपको, आप कौन से गांव से हैं कमेंट करके बताइएगा। गांव में रहना कितना अच्छा लगता है और कितने दिन रहने के बाद आपको गांव से जाने का मन नहीं करता। गाँव की हरियाली खेत की आपको देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी, जो देख रहे हैं कि गांव में धान कट रहा है, खेत के अंदर से धान कट रहा है और रोड और फूल काफ़ी खुशनुमा दिख रहे हैं इस तरह से। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे एक स्कूल है जो कि कभी चलता नहीं है और बाकी गाड़ियाँ बहुत सारी चलती है। नए बिल्डिंग और मकान बन रहे हैं खेतों में और उसके बाद खेत भर जाएगा, देखते रहिए नटखट।